अगर आपके भी लैपटॉप में विंडोज 10 है और आप भी अपने लैपटॉप के साथ कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें करनी कैसे है, आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीओ कंप्यूटर एंड टेक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। अगर आपके लैपटॉप में विंडोज 10 है और आप चाहते हैं कि कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस उसके साथ कनेक्ट करें, वो ब्लूटूथ स्पीकर हो सकता है या फिर आपका स्मार्टफोन हो सकता है या फिर कोई भी म्यूजिक सिस्टम हो सकता है या फिर कोई भी अदर ब्लूटूथ डिवाइस हो सकती है, उसको अपने लैपटॉप के साथ कैसे कनेक्ट करना है, उसकी कनेक्टिविटी के प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। आपको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है तो उसको उसका ब्लूटूथ पहले आपको ऑन कर लेना है। वो आपका स्मार्टफोन या आपका म्यूजिक सिस्टम हो, उसका ब्लूटूथ पहले आपको ऑन कर लेना है। फिर यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आना है सर्च बॉक्स में और लिखना है ब्लूटूथ BLUE। इतना ही लिखते आपको ब्लूटूथ की सेटिंग्स मिल जाएगी, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि ब्लूटूथ का जो हमारा ऑप्शन है ऑफ है, तो इसको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करके ऑन कर देना है। ठीक है, और ऑलरेडी कोई डिवाइस कनेक्टेड हो गई तो यहाँ पे वो डिवाइस यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और जैसे ये मेरा म्यूजिक सिस्टम है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से कनेक्ट था। इसको मैं फिर से देखिए रिमूव डिवाइस करता हूँ, यानी कि डिसकनेक्ट करता हूँ। मैंने इसे डिसकनेक्ट किया और फिर से आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो ये जो डिवाइस है फिर से डिसकनेक्ट हो गई उस डिवाइस से, फिर से मैंने इसे रिमूव कर दिया। अब देखिए, अब ऐसे ब्लूटूथ जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे सारी डिवाइसेस दिखाई देंगे, यानी कि जिसके जिसके ब्लूटूथ ऑन होगी वहाँ यहाँ पे शो करेगी। तो मान लीजिए कि इस डिवाइस को हमें कनेक्ट करना है तो सिंपली इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे और पेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पेयर पे क्लिक करेंगे तो वो रेडी टू पेयर हो जाएगा और कुछ सेकंड्स के बाद वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये कनेक्टिंग का प्रोसेसिंग हो रहा है और ये कनेक्ट हो गया, या ये प्रोसेसिंग यहाँ तक कंप्लीट होगी और उसके बाद कनेक्ट हो गया। यानी कि अब उस डिवाइस का यूज आप अपने लैपटॉप के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिख रहा है कनेक्टेड, यानी कि जो हमारा डिवाइस है वो अब हमारे ब्लूटूथ के साथ हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से आप अपने स्मार्टफोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन को कैसे कनेक्ट करना है चलिए ये भी देख लेते हैं। तो उसको कनेक्ट करने के लिए पहले हमको करना क्या होगा, इस जो हमारा म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट हुआ है इस पर पहले क्लिक करके इसको रिमूव डिवाइस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब हम तो रिमूव डिवाइस पर करेंगे तो ये यस कहेगा, यहाँ पे यस करना है। उसके बाद हमें फिर से अब अपना स्मार्टफोन का ब्लूटूथ ऑन कर देना है। तो वो भी हमारे देखिए अब हमारे पास दोनों आ गया, ये मेरा जो पहले से म्यूजिक सिस्टम है उसका ब्लूटूथ है यहाँ पे और ये जो हमारा स्मार्टफोन है उसका ब्लूटूथ यहाँ पे है। स्मार्टफोन वाले ब्लूटूथ पे यहाँ पे क्लिक करना है और पेयर पे क्लिक करना है। जैसे हम पेयर पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरह से कुछ स्पेसिफिकेशंस खुल के आपको आएगा आपके सामने। तो ये जब ऐसा ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे यस करना है और आपके स्मार्टफोन पे आएगा पेयर, तो उस पर पेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी यस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ऐसा करेंगे हम वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ प्रोसेसिंग होगी और ये भी आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो यानी कि इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन हो या आपका म्यूजिक सिस्टम या कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर हो उसको इस तरह से अपने लैपटॉप के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं विंडोज 10 में। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।